हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य शिक्षण परीक्षण, यानी कि फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है आज के वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे का। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज, थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सभी चीज़ों का प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन के सभी पार्ट्स पर यहाँ पर हम गौर करेंगे और ऑनलाइन क्वेश्चंस के माध्यम से सभी कन्फ्यूजन आपका दूर किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि फिजिकल फिटनेस सबसे पहले जान लेते हैं, शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल फिटनेस है क्या। जैसे कि आप डेली, फिजिकल फिटनेस जो है वह डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, यानी कि जो रोजमर्रा का कार्य है आप बिना थकावट के संपन्न करते हैं और किसी भी आपत्ति काल के लिए, विपत्ति के लिए आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी भी बचा रहे, उसी को कहते हैं फिजिकल फिटनेस। जैसा कि आप जानते हैं, फिजिकल फिटनेस दो प्रकार का है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन एंड मोटर स्किल रिलेटेड यानी स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज आता है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, किसी स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस का घटक माना जाता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक में 5 हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। तो यहाँ पे पेशी सहन शक्ति आपका राइट है। नेक्स्ट है, शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता क्या है। तो क्या है, अभी मैं जस्ट बताई हूँ, जो शारीरिक तंदुरुस्ती यानी कि जो फिजिकल फिटनेस है और उसकी योग्यता है कि डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, यानी दैनिक कार्य करने की क्षमता। नेक्स्ट है, खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों यानी अंगों का सामंजस्य बनाने की जो योग्यता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे युग्मन योग्यता यानी क्यूबलिंग एबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हमारा जो समन्वय क्षमता होता है यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज, वो 7 प्रकार के होते हैं, जिससे मैंने आपको बताया है ABCDRRO या ट्रिक्स से। ए से एडाप्टेशन एबिलिटी यानी अनुकूलन योग्यता, बी से बैलेंस एबिलिटी यानी संतुलन योग्यता, सी से क्यूपलिंग एबिलिटी यानी युग्मन योग्यता, डी से डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी यानी पृथककरण की योग्यता, आर से रिदमिक एबिलिटी यानी तालमेल योग्यता, फिर आर से रिएक्शन एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया योग्यता, फिर ओ से ओरिएंटेशन एबिलिटी यानी निर्धारण योग्यता। आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं सभी टॉपिक के बारे में, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और फिजिकल फिटनेस वाले प्लेलिस्ट में जाकर के कोऑर्डिनेशन वाले वीडियो में जाइए, सभी चीजें आपको डिटेल में मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि ये क्या कह रहा है, शरीर के सभी अंगों को सामंजस्य बनाने की जो क्षमता होती है उसको क्यूपलिंग एबिलिटी कहते हैं। जैसे कि फुटबॉल के गेंद में नियंत्रण लाने के लिए हमारा दिमाग, पैर, हाथ को एक साथ समन्वित करना, ये क्यूपलिंग योग्यता हो गया। नेक्स्ट है, प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक किससे संबंधित है, यानी PNF मेथड, जिसका फुल फॉर्म है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। यह लचीलापन को डेवलप करने की बेस्ट पद्धति है, जैसे कि लचीलापन को विकसित करने की विधियां हैं स्टैटिक, बैलिस्टिक, स्टैटिक, डायनामिक एंड PNF मेथड, जिसमें सबसे बेस्ट है आपका प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। नेक्स्ट दोस्तों, शोध प्रक्रिया में SWOT यानी शॉर्ट एनालिसिस का घटक है। तो इसके अंतर्गत शॉर्ट यानी S से होगा स्ट्रेंथ यानी शक्ति, W से वीकनेस यानी कमजोरी, O से हो गया अपॉर्चुनिटी यानी सुअवसर, और T से हो जाएगा संकट। नेक्स्ट है, विस्फोटक शक्ति का संबंध किससे है। जैसे कि आपको डायनेमिक जो स्ट्रेंथ है वो 3 प्रकार के होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी अधिकतम शक्ति, विस्फोटक
शक्ति यानी कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी शक्ति सहनशीलता, जिसमें से विस्फोटक शक्ति जो होता है शक्ति और गति का समन्वय होता है, इसलिए इसका संबंध होता है प्रतिरोध के विरुद्ध गति से। नेक्स्ट है, स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को एक्सीलरेशन योग्यता यानी कि त्वरण योग्यता कहते हैं। जैसे कि आप दौड़ स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट फेज आपका आता है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन मतलब जो ही आप बंदूक का आवाज सुनते हैं आपके अंदर रिएक्शन होता है, यानी कि दौड़ स्टार्ट कर देते हैं। और जो ही स्थिर अवस्था में रहते हैं तो स्थिर अवस्था के तुरंत आप अधिकतम गति प्राप्त करते हैं कुछ दूरी तक, यानी कि 25 से 30 मीटर तक, यानी 5-6 सेकंड तक। तो उस स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को एक्सीलरेशन योग्यता कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्रियाशील शक्ति को क्या कहा जाता है? तो क्रियाशील शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति कहा जाता है और स्थिर शक्ति को आइसोमेट्रिक शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है, शरीर द्वारा उच्च गति तक पहुंचने का समय क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उच्च गति जहां प्राप्त करने की बात हो और या स्थिर अवस्था से उच्च गति को प्राप्त करना, तो वहां होगा एक्सीलरेटर एबिलिटी या त्वरण योग्यता। नेक्स्ट है, अधिकतम व्यायाम के दौरान थकान का मुख्य कारण क्या है? आप सबको पता है कि हम अधिकतम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, और जिससे कुछ समय के लिए जो हमारा ऊर्जा होता है वो समाप्त हो जाता है, बनने में समय लगता है। तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे शरीर में थकावट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, मोटापा नियंत्रण करने के लिए केटोजेनिक आहार का जोर किस पर होता है? तो दोस्तों, मोटापा नियंत्रण करने के लिए कार्बोहाइड्रेट सीमितीकरण पर जोर दिया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को जितना आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं उससे कम लेना स्टार्ट कर देना होता है मोटापा को घटाने के लिए। नेक्स्ट है, विभिन्न अंगों, ऊतकों इत्यादि के स्वस्थ होने की गति अलग अलग होती है। स्वस्थ होने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विभिन्न अंगों, ऊतकों और सभी के स्वस्थ होने की अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया को हेटेरो क्रोनिसिटी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? हेटेरोक्रोनिसिटी। नेक्स्ट दोस्तों, स्वास्थ्य तान किस प्रकार के आसनों के अभ्यास से होता है? जो हमारा बॉडी टोन होती है एक प्रकार का सभ्य शरीर का, वो शरीर संवर्धनात्मक व्यायाम करने से होता है। नेक्स्ट है, किसने 1970 के दशक में समग्र रूप से आरोग्य यानी कि वेलनेस शब्दावली को अपनाया था? तो वो थे जे ट्रेविज। नेक्स्ट है, मोटर फिटनेस का कौन सा घटक प्रशिक्षण जैसे कारकों से कम प्रभावित होता है? तो दोस्तों, मोटर फिटनेस जो होता है उसके अंतर्गत स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन आता है, जिसमें से हमारा जो गति होता है जब बच्चा पेट में होता है तभी से प्रारंभ कर देता है। तो गति जो है कम से कम प्रशिक्षण होता देने के लिए होता है, और ये अनुवांशिक भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर पर नियंत्रण तनाव मतलब निरंतर तनाव और निरंतर अधिभार का परिणाम क्या होता है? अधिभार यानी कि जो प्रशिक्षण भार है वो आपके लिए जरूरी है, बट अधिक भार ओवरलोड जरूरी नहीं है, ओवरलोड का परिणाम गलत हो जाएगा। तो निरंतर आप तनाव देंगे यानी कि स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, और निरंतर अधिभार मतलब ओवरलोड देंगे तो उसका परिणाम होगा थकावट और चोट उत्पन्न होगा। एंड नेक्स्ट है, विशेषक पावर या विस्फोटकता यानी विस्फोटक शक्ति की बात कर रहा है, ठीक है। तो विशेषक पावर या विस्फोटकता के लिए प्रशिक्षण की विधि को क्या कहा जाता है? तो उसको डेवलप करने की विधि है प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण, जो एक बेंच होता है और बेंच के ऊपर से नीचे जंप करना होता है। जितने भी जंपे हैं दोस्तों, सभी जंपे आपका विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें गति और शक्ति दोनों का समन्वय होता है। नेक्स्ट है, जब मांसपेशियों की ताकत और ज्वाइंट्स यानी जोड़ का लचीलापन संतुलन में होता है तो इसे हम माना जाता है, तो उसे माना जाता है कि आपके शरीर की जो मुद्रा होती है, पोजीशन है, अपनी जगह पर है, सही जगह पे है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण विशेषज्ञ के अनुसार काफी हद तक ताकत प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जो वजन प्रशिक्षण होता है, वेट ट्रेनिंग होता है, सबसे ज्यादातर ताकत यानी स्ट्रेंथ इसे प्राप्त होती है।
जो आइसोटोनिक शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, फिटनेस को उस घटक का नाम दें जिसमें अधिकांश बायोमोटर क्षमताएं हो और वह किसी न्यूरोमस्कुलर दशा की अभिव्यक्ति हो। तो दोस्तों तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और तुरंत सोचने की क्षमता, ये चपलता कहलाएगी। क्या होगी? चपलता, यानी कि एजिलिटी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, शारीरिक शक्ति को मापने की सबसे आसान शरीरी विधि जो सामान्यतः शारीरिक क्षमता परीक्षण में शामिल होती है, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में शामिल होती है, वो होता है आपका पुलअप्स व्यायाम। क्या होता है? पुलअप्स व्यायाम। सबसे आसान शक्ति को मेजर करने का सबसे आसान तरीका है पुलअप्स व्यायाम। जो ज्यादा कर लेगा उसके अंदर ज्यादा ही शक्ति है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, लोकप्रिय हार्वर्ड स्टेप परीक्षण जो कि एरोबिक और एनएरोबिक क्षमता को मापता है, प्रारंभ में किसके लिए बनाया गया था? तो प्रारंभ में कॉलेज के लड़कों के लिए बनाया गया था, बाद में लड़के लड़की दोनों के लिए बनाया गया। ये हार्वर्ड स्टेप परीक्षण जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए 1943 में लिसिन ब्रोहा ने इसको डेवलप किया। ठीक है, नेक्स्ट है, कौशल परीक्षण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो कौशल परीक्षण जो है समन्वय योग्यता यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी पर निर्भर करता है, जिस 7 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए हृदय और मांसपेशी की क्षमता के संयोजन को किसके रूप में माना जा रहा है? तो इसको दोस्तों हृदय और मांसपेशी के संयोजन को तंदुरुस्ती यानी कि फिटनेस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, रस्सी कूदना, दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, तैराकी, साइकिलिंग चलाना और क्रॉस कंट्री किस प्रकार के व्यायाम है? तो दोस्तों ये सभी के सभी एरोबिक क्षमता यानी कि वायवीय व्यायाम है, जो एंड्योरेंस में जो भी 1 मिनट से ज्यादा की क्रियाएं होंगी सब एरोबिक हो जाएंगी, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रियाएं की जाती है, लंबे समय की क्रिया जिसमें सहनशीलता होती है वो एरोबिक क्रियाएं होती हैं, और जो कम समय की क्रियाएं होती हैं 45 सेकेंड से 1 मिनट तक की, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है वो एनएरोबिक क्रिया होती है, जैसे कि कम समय की क्रिया जिसमें ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे 100 200 400 मीटर दौड़ एंड वेट लिफ्टिंग इत्यादि। नेक्स्ट है, 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए 15 लीटर हवा की जरूरत होती है नॉर्मल अवस्था में, लेकिन एक प्रशिक्षण धावक को उसी मात्रा की ऑक्सीजन के लिए समानतः कितना लीटर हवा की आवश्यकता पड़ेगी? तो एक सामान्य व्यक्ति है तो उसको 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए 15 लीटर हवा की जरूरत होगी, एक प्रशिक्षित व्यक्ति है तो उसको 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए 12 लीटर हवा की जरूरत होगी। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनमें से किसने पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो आप सबको पता है केडी जाधव थे, जिसका पूरा नाम है खासाबा दादा साहब जाधव, जो 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में कांस्य पदक कुश्ती में जीते, ये भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक हासिल किए स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट है, सभी स्तरों पर बच्चों के इष्टतम विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों का कार्यक्रम होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? संतुलित, बैलेंसिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं कार्यक्रम जो है 1909 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी की सामूहिक सामंजस्य योग्यताओं को क्या कहा जाता है? तो सामंजस्य की बात है यहाँ, फुर्ती यानी एजिलिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट है, किसके लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है? तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए। एंड नेक्स्ट है, स्वास्थ्य शिक्षा के किस विधि में व्यक्ति अपने विचारों और अनुभवों के विनिमय से सीखते हैं? वो होता है समूह चर्चा के माध्यम से। नेक्स्ट है, नियमित रूप से विरेचन का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे किसकी कमी हो जाती है? तो पोटेशियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, किसी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की कुंजी क्या है? तो दोस्तों किसी भी चीज को सफलता प्राप्त करने की एक ही कुंजी है कि लक्ष्य निर्धारण करना, उसके बाद दूसरा होता है स्ट्रेटजी यानी कि उसके लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है, आपके शरीर की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता क्या कहलाती है? शारीरिक सेहत यानी फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट है,
शारीरिक अवस्था को जांचने के लिए नभ यानी पल्स का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था दोस्तों? तो गैलन ने किया था। तो गैलन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पल्स की गणना किया। नेक्स्ट है ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। तो ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है टहलना यानी कि वॉकिंग करना। नेक्स्ट है काइफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए किस सरलतम व्यायाम का सुझाव दे सकते हैं? काइफोसिस यानी जो पीठ बाहर की तरफ निकल जाता है जिसे कुबड़ा या काइफोसिस या वक्र पीठ कहा जाता है या गोल कमर कहा जाता है, तो इसका सबसे सरलतम सुझाव है तैरना यानी कि तैराकी करना। नेक्स्ट है VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। तो VO2 मैक्स यानी कि अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता VO2, ठीक है। तो VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है व्यायाम के द्वारा। किसके द्वारा? व्यायाम के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों मालिश क्या है? तो दोस्तों मालिश एक प्रकार का वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल विधि है। मालिश के सभी प्रकारों के बारे में डिटेल में जानने के लिए मालिश वाले वीडियो को थ्योरी सेशन को देखिए। नेक्स्ट दोस्तों संचलन यानी कि मूवमेंट की शीघ्र पुनरावृत्ति होती है। तो जिसके अंदर ज्यादा फिटनेस होगा वही शीघ्र पुनरावृत्ति कर पाएगा, वो होता है फिटनेस। नेक्स्ट है वयस्क मनुष्य के नब्ज दर का रेंज यानी बीट प्रति मिनट क्या है? कितना वयस्क मनुष्य एक सांस लेता है उसकी जो नब्ज दर होती है, हार्ट रेट होता है, कितना होता है? 70 से 80 बीट पर मिनट। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना अभी केंद्रित है। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य की संकल्पना जो है पूर्ण तंदुरुस्ती के रूप में अभिप्रेरित है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि केवल बीमारियों से ठीक होना या मुक्ति होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य है, यानी पूर्ण तंदुरुस्ती के रूप में स्वास्थ्य को ये WHO देखता है। नेक्स्ट है एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता किससे प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों एरोबिक फिटनेस यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, तो लंबी अवधि की जो क्रियाएं होती हैं उसको करके प्राप्त कर सकते हैं। तो लंबी दूरी की दौड़ से हम एरोबिक फिटनेस की श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायामों में आवश्यकता क्या होती है? ऑक्सीजन की। जब अनएरोबिक में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एंड नेक्स्ट है खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया? तो GW पैट्रिक ने दिया था, लॉर्ड केम्स एंड GW पैट्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करने वाले दो बुनियादी कारक क्या हैं? वो दो है वंशानुक्रम एवं वातावरण। और सभी जैसे कि हमारा संतुलित आहार हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, पोषक तत्व कैसे ले रहे हैं, वो भी निर्भर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वंशानुक्रम एंड वातावरण। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक कौन हैं? तो दोस्तों परिवार के सदस्यों के बीच संबंध कैसा है, मधुर है कि खराब है, वो आपके निर्भर करता है, तो मधुर संबंध, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या है परिभाषा स्वास्थ्य की? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि रोग या निर्बलता का मात्र अभाव स्वास्थ्य नहीं है, वरन यह शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड का सर्वश्रेष्ठ स्रोत क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यानी कि विटामिन सी का सबसे बेस्ट स्रोत होता है आंवला, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्वस्थ व्यक्ति के लिए कुल कितने खनिज यानी मिनरल्स को आवश्यक माना गया है? तो दोस्तों 21 मिनरल्स को स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक माना गया है। मिनरल्स यानी कि जो शरीर को सुरक्षा करने के लिए आवश्यक होते हैं, तो मिनरल्स में जैसे दो भागों में बांटा गया है, मुख्य खनिज लवण यानी कि मुख्य मिनरल जैसे माइक्रो मिनरल्स या मेजर मिनरल्स बोल सकते हैं, दूसरा है ट्रांस मिनरल्स यानी कि माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। तो जो मुख्य खनिज लवण है उसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम आदि आते हैं, और माइनर में आपके आते हैं आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, सेलेनियम, फ्लोरीन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आते हैं जिसके अंतर्गत आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यानी कुल 21 तत्वों की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा हमारे स्वस्थ शरीर के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि विशेषज्ञों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम कितना होना चाहिए? तो दोस्तों
स्वस्थ रहने के लिए वैज्ञानिक क्यों के अनुसार एक दिन में आधा घंटा और सप्ताह में 3 दिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है, सामान्यतया स्वास्थ्य को समझा जाता है, तो सामान्य भाषा में स्वास्थ्य को लोग समझते हैं कि मानव अंग प्रत्यंग की गुणवत्ता, यानी कि शारीरिक रूप से रोगी नहीं है उसको स्वास्थ्य समझा जाता है, जबकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि केवल शारीरिक रूप से रोगों से मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि आप सामाजिक रूप से कैसे हैं, मानसिक रूप से कैसे हैं, ठीक है, तो शारीरिक मानसिक अध्ययन सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य है। नेक्स्ट है, मोटापा का कारण क्या है? मोटापा का सिर्फ एक ही कारण है कि जितना आप ऊर्जा इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर उतना ही खाना खा रहे हैं तो आप फिट रहेंगे, लेकिन जितना आप ऊर्जा इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरी लेंगे तो आपके अंदर जो अतिरिक्त कैलोरी रहेगा वो फैट के रूप में जमा होगा और मोटापा बढ़ेगा, तो मोटापा का कारण है अत्यधिक कैलोरी ग्रहण करना। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वास्थ्य के 5 घटक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य एवं स्वस्थ वातावरण। ये स्वास्थ्य के 5 घटक हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और स्वस्थ वातावरण। नेक्स्ट है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय व्यायाम जरूरी है? तो डेली आपको 30 मिनट व्यायाम अवश्य करना चाहिए और हफ्ते में कम से कम 3 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है, 24 से 48 घंटों में से 24 से 48 घंटों में तीव्र गति से भार का कम होना किस घटना के कारण होता है? तो पानी की कमी के कारण। जैसा कि आप जानते हैं डोपिंग के अंतर्गत ड्यूरेटिक्स एक ऐसा मादक पदार्थ है जिसको सेवन से 24 से 48 घंटे में तीव्र गति से भार कम होता है, यानी कि जो पानी होता है यूरिन के माध्यम से सब बाहर निकल जाता है, शरीर का भार कम हो जाता है। नेक्स्ट है, बहुत कठिन व्यायाम के समय थकावट आने का प्रमुख कारण क्या है? आपको पता है दुग्धाम्ल यानी लैक्टिक एसिड का बनने के कारण। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक कौन है? तो दोस्तों जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है तो स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का जिसके अंतर्गत 5 कारक आते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन, जिसमें सबसे प्रमुख घटक होता है कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस होता क्या है, यानी कि हृदय और फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी क्रिया या अभ्यास के दौरान प्रभावी रूप से अपने को व्यवस्थित कर लेती है। यह क्रिया लंबे समय की होती है जो थकान की स्थिति में भी बनी रहती है, जिसे कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस कहते हैं, यानी हृदय और फेफड़ों की क्षमता, सहन क्षमता। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि वयस्क मानव शरीर में पानी की मात्रा की रेंज कितनी होती है? तो हमारे शरीर में 70% जल होता है, यानी 50 से 75 के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वास्थ्यता यानी वेलनेस का मुख्य अर्थ क्या है? दोस्तों वेलनेस यानी कि स्वास्थ्यता का मुख्य अर्थ होता है आंतरिक शक्ति या क्षमता, बाहरी शक्ति नहीं। स्वास्थ्यता यानी कि वेलनेस का मुख्य अर्थ होता है आंतरिक शक्ति या क्षमता। नेक्स्ट है, अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक किसे माना जाता है? तो अच्छी जीवन शैली, डेली रूटीन में आप डेली का जीवन शैली आपका कैसा है, अच्छा है, तो आपका अच्छे स्वास्थ्य का मूल कारक माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कैसा होता है? अनेक संचलन प्रकारों में दक्ष होता है और कुछ संचलन प्रकारों में निपुण भी होता है। उसके पास नेतृत्व गुण होते हैं और नैतिक मूल्य से वो संतुलित होता है, शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति। नेक्स्ट है, वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है कि समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना। नेक्स्ट है, इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? तो उसका सर्वप्रथम उद्देश्य है कि रोकथाम या परहेज करना। ठीक है, जैसे कि प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आप देखते हैं कि आपका आता है प्राइस, यानी कि PRICE, प्राइस मतलब प्रोटेक्शन यानी उसको रोकना। ठीक है, आइस मतलब आइस यानी बर्फ लगाना, सी से कंप्रेशन यानी कि दबाना, ई से इलेवेशन यानी उठाना,
और यही आपका होता है। तो किसी भी इलाज के लिए सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उसको रोकथाम या परहेज करना। नेक्स्ट है, आमतौर पर एथलीटों द्वारा मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले दवाओं का वर्ग क्या है? तो दोस्तों, मांसपेशियों की असल शक्ति और वृद्धि में बढ़ावा देने का है एनाबोलिक स्टेरॉयड। ये दुनिया का सबसे ज्यादा डोपिंग में इस्तेमाल किया जाता है एनाबोलिक स्टेरॉयड्स। नेक्स्ट है, हृदय रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त वाहिनी या हृदय की मांसपेशी में रक्त ब्लॉक हो जाता है, यानी रक्त उसी में ब्लॉक हो जाता है। यह ब्लॉक किस तत्व के कारण होता है? दोस्तों, यह ब्लॉक होता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल जब रक्त वाहिनियों या धमनियों में उनके दीवारों पर जमा हो जाता है तो जो रक्त होता है उसका संचार अच्छे से नहीं हो जाता और वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, जिसे हृदय रोग हो जाता है या कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी चुनने के और उसके बारे में जागरूक बनने की एक सक्रिय प्रक्रिया है तो क्या है? तंदुरुस्ती यानी फिटनेस। सबसे मुख्य चीज है फिटनेस। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य शिक्षा किससे संबंधित है? तो दोस्तों, स्वास्थ्य की उन्नति, अनुरक्षण और पुनः स्थापना से संबंधित है स्वास्थ्य शिक्षा। नेक्स्ट है, ISDR एक समाज की स्वस्थ उत्तरजीविता के लिए उपयोगी है। तो ISDR का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो ISDR का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। नेक्स्ट है, जो महिलाएं गर्भावस्था के समय शराब का उपयोग करती हैं वे गर्भ में पल रहे भ्रूण में कौन सा सबसे खतरे में डालती हैं? तो उसका गर्भपात हो जाता है। नेक्स्ट है, किस तरह के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरी की खपत होती है? तो रनिंग दोस्तों, दौड़ना ये बेस्ट एक्सरसाइज होता है और जिसमें सबसे ज्यादा कैलोरी की खपत होती है। नेक्स्ट, जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का गठन इतना से ऊपर होता है उसे उच्च रक्तचाप का मरीज माना जाता है। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमारा रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है 120-80 होता है, यानी कि 120-80 होता है वो नॉर्मल है। अगर 120-80 से ज्यादा होगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर में आ जाएगा और 120-80 से कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर में आ जाएगा। तो 120-80 आपका नॉर्मल है, तो जब 140-90 हो जाता है तो आपका हाई ब्लड प्रेशर के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक फिटनेस यानी फिजिकल फिटनेस, यह परिभाषा किसने दी है कि शारीरिक फिटनेस जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों से सफलता के साथ की क्षमता है? इस बात को कहे हैं डेविड और लैम्ब ने। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त माना जाता है यदि उसका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI कितना के बराबर होगा। तो दोस्तों, 30 के ऊपर अगर BMI आएगा तो आप 30 या 30 के ऊपर तो आप मोटापे से ग्रस्त हो गए हैं, आपको बहुत ही परहेज करने की आवश्यकता है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और जबकि 18 से लेकर 22 23 24 तक आपका जो होता है गुड होता है। अगर आपका 18 से कम है BMI तो आप बहुत ही दुबले पतले व्यक्ति हैं, आपका आपको अच्छे आहार की जरूरत है। एंड अगर 18 से 22 23 के बीच में है तो आपका ऑल गुड है, यानी कि आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है, आपका फिटनेस लेवल अच्छा है। एंड BMI बॉडी मास इंडेक्स मतलब देखा जाता है कि आपका जो वजन है आपकी लंबाई के हिसाब से ठीक है या नहीं, इसलिए इसको ज्ञात BMI ज्ञात करने का सूत्र होता है वेट इन केजी अपॉन लेंथ इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट इन मीटर स्क्वायर, लेंथ इन केजी अपॉन यानी कि जो लंबाई होती है वेट इन केजी, सॉरी दोस्तों, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा आपका भार है उसको केजी में और जो हाइट होता है वो मीटर करके स्क्वायर कर दिया जाता है तो आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल जाता है BMI। आप अपने आप अपना ज्ञात करके अपना अंदाज लगा सकते हैं कि आप गुड स्थिति में हैं कि मोटापे की स्थिति में हैं कि अंडर वेट में हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ने स्वास्थ्य के बारे में बताए गए भाग हैं, तो उन्होंने बताया है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ हैं तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे। केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य नहीं है। नेक्स्ट है, साधारण बोलचाल में समानता स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है? तो साधारण लोग में समझते हैं कि रोग और विकृति से मुक्ति है, शरीर में कोई रोग नहीं है तो स्वास्थ्य है। जबकि WHO का कहना है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ रहना स्वास्थ्य है। नेक्स्ट है, लू से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार की प्राथमिक उपचार देनी चाहिए? तो उसे ठंडे स्थान पर लिटाना चाहिए। नेक्स्ट है, वस्तुतः स्वास्थ्य जीवन की ऐसी अवस्था या योग्यता है जो एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने व उत्तम सेवा के लायक बनाती है। इस बात को किसने कहा? इस बात को कहा है जेफ विलियम्स ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक परिभाषा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का लक्ष्य क्या है? WHO का लक्ष्य है सबके लिए स्वास्थ्य। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ। नेक्स्ट है, स्वास्थ्यता यानी वेलनेस का महत्व क्या है? तो स्वास्थ्यता यानी वेलनेस का महत्व है कि यह अच्छे जीवन यापन में सहायक के रूप में होता है। नेक्स्ट है, जांग के विकास के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यानी व्यायाम क्या है? तो वजन के साथ अधि बैठक लगाना, वजन हाथ में लेकर के और अधि बैठक लगाना पैरों यानी जांग के विकास के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है, स्पाइन यानी मेरो यानी रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो जो झुकने वाले व्यायाम हैं वो व्यायाम आपके रीढ़ के विकास के लिए सबसे उत्तम होंगे। नेक्स्ट है, लैक्टिक एसिड जमा होने से कौन सी स्थिति पैदा होती है? तो थकान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण ढंग से क्या प्रभावित करता है? तो हमारी जो दिनचर्या होती है, डेली रूटीन हम कैसे फॉलो करते हैं, वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, कब्ज के होने का क्या कारण है? जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, उसका कारण होता है बड़ी आंत का कम कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो यह उत्तरदायित्व है राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार का। नेक्स्ट है, बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बढ़ती उम्र में मोतियाबिंद हो जाता है। दो प्रकार का मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद और एक व्हाइट, एक सफेद परत जम जाता है तो व्हाइट मोतियाबिंद होता है जो लेंस हमारा होता है, और जो काला परत जम जाता है लेंस पर जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है उसको काला मोतियाबिंद कहते हैं। जो व्हाइट परत जम जाता है हमारे लेंस पर तो उसमें कोई भी वस्तु धुंधला दिखाई देता है, ये बढ़ती उम्र में अक्सर होता है। नेक्स्ट है, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आप सबको पता है, वेरी इजी क्वेश्चन है, विटामिन डी से। ठीक है, अब विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के संश्लेषण और हमारे हड्डियों के उपयोग में सहायता करता है। नेक्स्ट है, दूषित जल से फैलने वाला एक रोग है तो वो होता है हैजा यानी कि कॉलेरा, जो विभिन्न कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है, अच्छे स्वास्थ्य की एक पहचान है तो दृढ़ मांसपेशियां, आपके शरीर में खुद ही दिख जाता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, तो मजबूत मांसपेशियां। नेक्स्ट है दोस्तों कि तंबाकू में हानिकारक रसायन कौन सा होता है? तो तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है निकोटीन। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग में शामिल है तो संक्रामक रोग जो एक दूसरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैलता है, जो वायु द्वारा फैलने वाले रोग, जल द्वारा फैलने वाले रोग और संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को ही कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर। नेक्स्ट है, टिटनेस में होने वाला मुख्य विकार कौन सा होता है? टिटनेस को दोस्तों, टिटनेस को धनुष टंकार या लॉक जॉ भी बोला जाता है, जिसमें शरीर हमारा ऐंठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शरीर के अंगों का ऐंठ जाना इसमें मुख्य विकार होता है।
नेक्स्ट है, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? तो इसका मुख्य उपाय है टीके लगवाना। ठीक है, टीके लगवाना, जैसे कि टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है, पोलियो रोग किससे प्रसारित होता है? तो यह भी जल और भोजन के द्वारा प्रसारित होता है। नेक्स्ट है, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है, यानी वायरस के द्वारा। कौन सा रोग कवक यानी फंगल के द्वारा होता है? दाद यानी कि जो रिंग वर्म होता है वह फंगल के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां हैं? तो दोस्तों, हैजा और टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और दूषित भोजन और जल जनित रोग है, दूषित भोजन और जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट, टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? दोस्तों, टाइफाइड को मियादी बुखार, आंत्र ज्वर आदि नामों से जाना जाता है, जो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी आंतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो फ्रांस में अपनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई, काफी पूछा जाता है यह। एंड भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब हुई? तो 1939 में हुई, क्षय रोग यानी कि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 3600 कैलोरी की, और जो साधारण व्यक्ति है और उसको कम से कम 3000 कैलोरी की, और जो अत्यधिक प्रशिक्षण कर रहा है एथलीट है उसको 5000 से 5500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दोस्तों, संतुलित आहार क्या है? तो आप सबको पता है, जिसमें उचित खाद्य पदार्थ का समावेश हो, जिसमें सभी पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण उचित मात्रा व अनुपात में हो, सुपाच्य हो, आकर्षक रुचिकर हो, संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को माध्यम से सभी डाउट को मैंने क्लियर किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट आपका वीडियो होगा अंग संचालन जीव यांत्रिकी यानी कि किन्सुलाइजेशन बायो मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।